बरेली से हैं श्रीरी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, कैसी हैं मैम आप? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। श्रीरी आपसे एक सवाल है। जी। वो हमारी जो व्यूअर है तबस्सुम, उनका सवाल है, बहुत दिन से वो कर रही हैं और जब आपका फोन आता है शगुफ्ता को याद नहीं रहता और मैं पूछ नहीं पाता। जी। उनका सवाल यूं है कि वो शायद 8 या 7 साल पुरानी हमारी व्यूअर्स हैं। जी जी जी, मैं समझ गई हकीम साहब। समझ गई। और वो ये कह रही हैं कि 7 साल में जिसको कुछ नहीं मिला, तो आप शायद उनसे बात की है, तो 7 साल वाले को कुछ नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा? विलमान मिलेंगे क्या? जी मैं समझ गई हकीम साहब, मैं भी उनके सवाल का जवाब देना चाहती थी, मैंने आज कॉफी पे लिख भी लिया था क्योंकि जब मैं कॉल करती तो मैं भी भूल जाती हूँ, तो मुझे आज भी याद था लेकिन लास्ट टाइम में मैं भूल गई हूँ, कभी कॉल कट जाती है, तो मैं अभी जवाब दे दूँ? हाँ दे दो, कल के प्रोग्राम में भी देना, हम भूल जाए ना तब भी देना। जी जी, 7 साल और 13 साल से मुराद मेरी ये बात थी कि जब मैंने आपके लिए जो मतलब आपकी तारीफ में जो मतलब अल्फाज कहे, तो शगुफ्ता मैम ने भी मेरा साथ दिया, आपको तो ऐतराज हो रहा था लेकिन मुझे पता था लोग मेरी बात पे ऐतबार करेंगे, तो शगुफ्ता मैम ने भी कहा कि जब 13 साल आपके साथ काम करते हो गए, जब आपको उनको कोई बुराई नजर नहीं आई आपके अंदर, आपने कहा था कि मेरी आपने मुझसे कहा था कि आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे अंदर खामियां भी ढूंढें, खूबियां तो सारी हो गई, अब खामियां अगर कोई है तो बताएं। नहीं, तो उस पे मैंने वो बात कही थी कि जो 13 साल वालों को कुछ नहीं मिला तो 7 साल वालों को क्या मिलेगा, तो प्रोग्राम को होते हुए 13 साल का वक्त हो गया, तो शगुफ्ता मैम ने कहा जब मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे तो ऐसी कोई खामी नजर नहीं आई, तो फिर मैंने ये बात कही अपनी तरफ से कि जब 13 साल वालों को कुछ नहीं मिला तो फिर 7 साल वालों को क्या मिलेगा, और मुझे जो हुए आपसे 7 साल का वक्त हुआ है। नहीं, वो मेरे ख्याल से उनका सवाल अलग है, कल वो फिर सवाल उनसे पूरी तरह करवा लेंगे। एक सवाल आया था कि जो मर्द अच्छे काम करेंगे उन्हें जन्नत में हूरे मिलेंगी, आपको तो मालूम ही होगा, तो जो औरतें अच्छे अमाल करेंगी, अच्छे काम करेंगी, उनको क्या मिलेगा? तो उसका जवाब था कि गिलमान मिलेंगे, तो उन्होंने उस सवाल को इस सवाल से जोड़ दिया है शायद, और इस हिसाब से आप जवाब दीजिए कि उन्हें इत्मीनान आ जाए। हमें तो आपकी बात से इत्मीनान है और उनके सवाल से भी, लेकिन वो मुतमईन होनी चाहिए। जी। समझ रहे हैं आप? जी जी। तो कल आपका जवाब होगा। जी। और बताइए क्या सवाल? टीवी नहीं है ना हकीम साहब, इसलिए मैं देख नहीं पाती हूँ, अब जब मैं पापा के पास थी ना घर पे, यहाँ बदायूं में भी घर है, वहाँ तो पापा जॉब करते हैं इसलिए रहना पड़ता है, तो अभी हम कुछ वक्त के लिए यहाँ पे ही रहेंगे, अभी 1-1.5 महीने, तो पैसे टीवी नहीं था तो मैं पापा के फोन में देख लेती थी एक ऐप के जरिए पूरा प्रोग्राम, यहाँ पे उनको देख नहीं पाती हूँ। नहीं कुछ भी करे आप, तो कुछ पोर्टेबल टीवी रखा करिए अपने पास या कुछ भी करे, हमसे जुड़ी रहिए, आपको सफर में बहुत दिन गुजारने पड़ते हैं पूरी रिश्तेदारियों में, तो कोई ना कोई इंतजाम जरूर रखें, और सवाल बताइए अपना। जी हकीम साहब, मैंने जो सुबह सवाल किया था बच्ची के ताल्लुक से, तो आपने कहा था जो जिसके फेस से बाल आ रहे, तो आपने कहा था यूनानी और एलोपैथिक दोनों ट्रीटमेंट साथ में चले तो कुछ होगा, तो यूनानी ट्रीटमेंट क्या होगा आपकी तरफ से, मतलब कोई नुस्खा हो तो मैं उनको बता दूं? ठीक है, मैं मेरी कॉल ना कटे। अच्छा ये बताइए कि उनको नजला खांसी तो नहीं रहता बिल्कुल? हकीम साहब ये मुझे नहीं पता। हाँ, क्योंकि उन्हें ऐसी दवाएं दी जाएंगी जो जायके में खट्टी होंगी, और खट्टी चीज़ें नज़ले खांसी वाले को नहीं दे सकते, और अगर नज़ले खांसी के मरीज भी हैं तो कुछ और नुस्खा बताया जाएगा। जी, तो आप दोनों नुस्खे बता दीजिए हकीम साहब, मैं दोनों लिख लेती हूँ, मैं दोनों बता दूंगी फिर। जी। अच्छा देखिए, अगर उनको नज़ला खांसी नहीं होता है तो उन्हें
कलौंजी का सिरका दिया जाएगा रात को सोते वक्त 2 या 3 चम्मच। अगर उनकी उम्र 12 साल की है तो बस 1 चम्मच, क्योंकि उनकी उम्र 12 या 13 साल आपने बताई, और अगर 18 साल के हैं तो 2-3 चम्मच देना होगा। और यही सिरका उनकी उन जगहों पर भी रब करना है जिन जगहों पर बाल आते हैं, और अगर उनको नज़ला खांसी होता है तो ये नहीं दे सकते, तो उनको नमक जैतून और गौंद मोरिंगा, नमक जैतून 1 चुटकी और गौंद मोरिंगा 1 ग्राम रोज़ाना देना होगा। और इस सिरका उनके मालिश के लिए यही सिरका काफ़ी है जी।